वो है फॉर्मूला एंड ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल, ठीक है, फॉर्मूला एंड ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल, ठीक है। अब जो एक्सेल है हमें भी पता है कि जो जो जितने भी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, आपका एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, तो सबके क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, सबके क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात रुको रुको नोट नहीं करना है, अभी नोट नहीं करना है, ठीक है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो जो एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है उसका काम क्या है, उसमें हम कौन सा काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हमने पढ़े हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनमें से ही आपका एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो जो एमएस वर्ड जो है वो आपका जो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। अगर बात करें पावर पॉइंट की, एमएस पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। उसी तरह जो आपका एमएस एक्सेल है उसका यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, आपको चार्ट का यूज करना है, ग्राफ का यूज करना है, तो आप किसका यूज करोगे, एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे आपका एमएस एक्सेस होता है वो आप लोगों को आप लोग आगे पढ़ोगे, तो जो एमएस एक्सेस होता है वो डाटा की एंट्री के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल में अगर हमें पता है कि जो एमएस एक्सेल है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका यूज किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कोई भी डाटा हमारे पास है या चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, या पाइवट टेबल का हमें यूज करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके फॉर्मूला, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बनाना सीखते हो और उसके बाद आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एमएस एक्सेल है उसमें फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर हैं, किसका यूज कहां कहां किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज फॉर्मूला, ठीक है। अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स वैल्यू ऑफ अ सेल, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो जो क्या होता है, जो किसी कॉलम में जो भी डाटा जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ सेल, अ फॉर्मूला इन एक्सेल इज यूज टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। जो एक्सेल जो फॉर्मूलाज है वो क्या करता है, एक्सेल में जो मैथमेटिकल जो वैल्यूज होती है उनको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ ऑपरेंड, द डाटा इज टू बी कैलकुलेटेड एंड ऑपरेटर सिंबल्स यूज टू ऑपरेट डाटा, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, जो जो एक्सेल में जो रो और कॉलम में जो भी डाटा हम लिखते हैं, जो भी वैल्यू लिखते हैं, उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो कभी हमने सोचा है कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम उसमें क्या लिखेंगे, ऑपरेंड होना चाहिए, यानी कि आपके पास डाटा होना चाहिए और आपके पास ऑपरेटर भी होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सिंबल है, आप किसी चीज को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास प्लस का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। आप प्लस का सिंबल यूज करोगे, आपको कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, आपके सिस्टम में माइनस का सिंबल होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं जिनका यूज किया जाता है, ठीक है। सपोज मैंने सोचा कि जो टू प्लस टू, ठीक है, सपोज हमने लिखा कि 2+2, या आपने जो भी एक्सेल सीट में जो स्प्रेड सीट है उस पर डाटा लिखा, ठीक है, कोई भी डाटा आपने लिखा, तो आप लास्ट में उसको उस चीज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए भी आप अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो डाटा है वो होता है आपका ऑपरेंड और जो सिंबल्स होते हैं आपके वो होते हैं आपके ऑपरेंड, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लो पहले। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग फॉर्मूला इन एक्सेल, हम लोग हमेशा एक्सेल यूज करते हैं, क्या आप लोगों ने कभी गौर करा है कि जो एक्सेल है उसमें आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हम जब आप लोगों को कभी भी फॉर्मूला शुरू कराते हैं तो बोलते हैं कि जब भी आप कोई फॉर्मूला शुरू करोगे तो वो फॉर्मूला आपका इक्वल से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये गोल्डन ये कुछ रूल्स है एक्सेल के, ठीक है। एक तो कोई भी फॉर्मूला आपका इक्वल से शुरू होना चाहिए, दूसरी चीज
जब भी आप किसी सेल में आप ऊपर सेल एड्रेस में देखोगे तो उसमें सेल एड्रेस आता है, वो डाटा नहीं आता है। ठीक है, हमेशा हम आप लोगों को बोलते हैं कि जब भी आप लोग अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखोगे तो आपको सेल एड्रेस नहीं लिखना है, आप किस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं आपको वो लिखना है। ठीक है, आप सेल एड्रेस नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो तो फॉर्मेट आपने एक्सेल सीट में बनाया, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट है वो दूसरे तरीके से बनाए, हो सकता है बाद में आप उस डाटा को कैलकुलेट करें और दूसरे सिस्टम में करें, वो आप पे डिपेंड करता है आप उस फॉर्मेट को किस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो जो एक्सेल सीट में जो एक्सेल जो फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला लिखा हुआ आता है उसमें हमेशा आपका क्या आता है, सेल एड्रेस आता है लेकिन वो डाटा नहीं आता है। ठीक है, और दूसरा जो रूल्स वो है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है तो वो इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन एलिमेंट्स इन अ फॉर्मूला। ठीक है, ऑपरेटर क्या होते हैं, एक ऐसे इस टाइप के सिंबल होते हैं जो किसी भी डाटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो यूजर पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की कैलकुलेशन करनी है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन एक्सेल तो फोर टाइप के ऑपरेटर होते हैं एमएस एक्सेल में, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेस्ट कॉन्टिनेशन ऑपरेटर एंड रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, इट परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इन एक्सेल। ठीक है, अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल जो प्लस माइनस के जो सिंबल्स होते हैं, एस्ट्रिक्स जो हम यूज करते हैं किसी वैल्यू को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिविजन होता है, सपोज हमें किसी चीज को डिवाइड करना है, या परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में। ठीक है, सपोज हमें किसी का रिजल्ट बनाना है, हमें वहां पे परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, हमें टोटल निकालना है, तो ये डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट और कैरेट का, जिनका यूज होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ठीक है, हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, हम एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इक्वली ब्रैकेट स्टार जो सैलरी है, या सपोज जो भी सेल अमाउंट है, अगर इससे ज्यादा होती है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल होती है, या इससे कम होती है। ठीक है, या हम फाइंड करते हैं कभी भी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें अगर सपोज किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है या डिविजन ग्रेड बनाना है, तो वहां हम कंपैरिजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन जो लेस देन जो सिंबल्स है वो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया, जैसे टू इक्वल टू हो गया। ठीक है, लेस देन हो गया आपका, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल एंड ग्रेटर देन हो गया, इक्वल एंड लेस देन हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनका यूज हम करते हैं एक्सेल में। ठीक है, अलग अलग वैल्यू को कंपेयर करने में, और जो परसेंटेज रिजल्ट डिविजन ग्रेड है, या सेल की जो अमाउंट है, या आपका कमीशन फाइंड करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है, थर्ड है टेस्ट कॉन्टिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, मोस्टली यूज टू जॉइन टू और मोर टेस्ट पीस इनटू वन पीस ऑफ टेस्ट, इट कैन आल्सो एप्लीकेबल टू फॉर्मूला आल्सो। ठीक है, जो टेस्ट कॉन्टिनेशन जो ऑपरेटर होते हैं उनका यूज किया जाता है, पीछे वाले लिखना पहले शुरू कर देना है। ठीक है, उनका यूज किया जाता है, सपोज हमने जो स्प्रेड सीट है उसमें तीन अलग अलग उसमें टेस्ट लिखा है। ठीक है, सपोज हमने एक में सोचा कि एक में मिस्टर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, या मिसेज लिखा हुआ आ जाए, दूसरे में नेम फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाए, तीसरी जो कॉलम है ठीक है उसमें आपका लास्ट नेम लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एमएस एक्सेल में सपोज हमारे पास कोई रिकॉर्ड है और उसको हम अलग अलग टेस्ट में लिखते हैं कि फर्स्ट नेम अलग आए, लास्ट नेम अलग अलग से आए, तो उसमें हम जो जो अलग अलग जो टेस्ट हमने लिखे हैं उनको हम एक साथ क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, एक साथ हम मिला सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कॉन्टिनेशन ऑपरेटर्स है, तो इसमें एम्परसेंट आपका यूज होता है। नीचे मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि इनिशियली जैसे मिस्टर डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, फिर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। ठीक है, फुल नेम हमें तीसरा जो कॉलम है, जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेम अगर हम चाहते हैं कि जो अलग अलग नेम हमने लिखे हैं, अलग अलग पार्ट्स में लिखे, अलग अलग पीसेस में जो लिखे हैं, वो एक साथ लिख के आए, तो फुल नेम में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला
फॉर्मूला लिखा भी है कॉन्टिनेटेड, ठीक है। आपको सेल एड्रेस वहां पे क्लिक करना है, यानी कि उसका जो फर्स्ट वाला जो नेम है, ठीक है, इनिशियल कॉमा करके आपको स्पेस दे देना है, वो डबल कोट फिर स्पेस आपको देना है, ठीक है। दूसरा जो फर्स्ट नेम है वहां पे आपको फर्स्ट नेम की जो सेल एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर देना है, कॉमा, उसके बाद डबल कोट आपको लिखना है, डबल कोट के बीच में आपको हल्का सा स्पेस देना है, ठीक है। एक स्पेस आप सिंगल स्पेस यूज करोगे, कॉमा और जो लास्ट नेम है, ठीक है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपने जो तीनों टेस्ट अलग अलग जो कॉलम में लिखे थे वो एक साथ क्या होके आएंगे, एक साथ इंक्लूड होके एक ही बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका जब कोई रिकॉर्ड इस टाइप का एक्सेल में कोई सीट हम बनाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, टेस्ट कॉन्टिनेशन ऑपरेटर। और इसमें जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला बार में ऊपर दिख रहा है ना, एफ एक्स फॉर्मूला बार है, ठीक है, वहां से आपको वो फॉर्मूला लिख भी देना है और ऐसे टेबल बना दो, नीचे से वो फॉर्मूला लिख दो। ऑपरेटर देख लेते हैं, फोर्थ है रिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब जो रिफरेंस ऑपरेटर है हम लोगों ने यूज भी करा है एक्सेल में, ठीक है। जैसे हम एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं, परजेंस अब्सेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इक्वल काउंट इफ, जहां पे हम क्या करते हैं किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं कि डेट फर्स्ट से लेके आप 31 डेज तक उसको सेलेक्ट करो, फिर आप परजेंस फाइंड कर सकते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है। तो जहां पे हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, या सपोज हमने सोचा कि हमें जो करंट जो ईयर चल रहा है उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना है कि हम आज की डेट में कितने ईयर कितने मंथ और कितने डेज के हो गए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल डेटेड इफ, ठीक है, हम फर्स्ट डेट से फिर हम कॉलन यूज करते हैं फिर लास्ट डेट। तो जो कॉलन का जो सिंबल है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम काउंटी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो काउंटी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट डेट में आप क्लिक कर लिए, बीच में कॉलन का सिंबल आप लगा दीजिए, सीधे 31 डेज में आप क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या कर देता है, फर्स्ट से लेके 31 डेज तक पूरी रेंज को सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो रेफरेंस जो ऑपरेटर होता है उसमें क्या होता है, किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आपका कॉलन, ठीक है। यूज टू क्रिएट रेंज कंबाइंड रेंज एंड रेफरिंग डिफरेंट सेल एंड रेंजेस, ठीक है। तो इसमें आता है आपका कॉलन एंड कॉमा, ठीक है। कॉमा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अगर डेटेड इफ फॉर्मूला अप्लाई करा होगा, तो जिन्होंने नहीं भी करा है वो अप्लाई करोगे एक्सेल में, ठीक है, आप लोगों का फॉर्मेट अब आएगा, तो उसमें आपने गौर करा होगा कि जब हम फर्स्ट डेट को क्लिक करते हैं तो हम बीच में कॉलन नहीं लगाते, हम कॉमा लगाते हैं कि स्टार्टिंग की डेट कॉलन लास्ट डेट कॉलन ईयर हमें फाइंड करना है, तो डबल कोट के ईयर और हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमें फाइंड होता है कि फर्स्ट डेट से लेके जो सेकेंड डेट है उसमें टोटल कितने ईयर हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। और काउंटी फॉर्मूले हमने यूज करा था कॉलन, जहां पे रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका कॉमा और कॉलन दोनों क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है।